जहीन साथियों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो दोस्तों। आज आपको शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एक शिक्षक के ऊपर एक कुछ कहानी बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि शिक्षक को महान क्यों माना जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि एक कक्षा चल रही थी और जिसमें हमारे छात्र थे और छात्रों के बीच में एक क्लास चल रही थी, और वहाँ पे किसी एक छात्र की क्या एक छात्र की उस कक्षा में घड़ी चोरी हो गई थी दोस्तों। क्या हो गई थी? घड़ी चोरी हो गई थी। तो वही छात्र थोड़ा सा घड़ी ढूंढ रहा था, लेकिन उसको मिल नहीं पाई है। और उस छात्र ने क्या किया था दोस्तों, कि वह बात अपने शिक्षक को बता दी। तो शिक्षक ने क्या करा कि अगर घड़ी चोरी हुई होगी तो वो चोर मान लो जो भी स्टूडेंट ने अगर ऐसा हरकत की हो तो अपने कक्षा में ही होगा। तो शिक्षक ने क्या दिमाग लगाया कि सभी स्टूडेंट को दरवाज़ा बंद कर दिया, और उन्होंने यही रखा कि जितने भी सारे स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट के आँखों पर पट्टी बांध दी थी। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के आँखों पर क्या बांध दी थी? पट्टी। और सभी को एक लाइन में खड़ा करके उनकी सबकी जेब चेक किया। तो जैसे चेक चेक किया तो उनको घड़ी मिल गई थी, और वही घड़ी मिल गई और स्टूडेंट जिसकी घड़ी थी उसको लौटा दिया, और वो बातें को वहीं पे रफा दफा कर दिया, मतलब उसको किसी को बताया वगैरह कुछ नहीं। फिर बाद में जब ये तो उस समय की बात, जब स्कूल में जब बच्चे लगभग 10th 12th तक थे उस समय की बात है। लेकिन जब दोस्तों ऐसा हुआ, वो जो लड़का जो चोरी किया था वो काफ़ी समय बाद, कुछ मतलब समय बीतने के बाद 10-15-20 साल बाद में एक चीफ गेस्ट के रूप में उस शिक्षक को बुलाया गया था। उसका कुछ कार्यक्रम में था और वहाँ पे वो लड़का भी आया था जिन्होंने क्या किया था, उस वो ऐसे हरकत किया था, घड़ी चुराई थी। तो उस समय क्या होता कि वो जो स्टूडेंट आया था उस अपने टीचर से मिला, अपने टीचर से जैसे ही मिला और उन्होंने अपने टीचर का जो पैर वगैरह छुए आशीर्वाद लिया। और उस समय क्या होता कि उस जो अपने छात्र था स्टूडेंट, वो अपने शिक्षक को बोला कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले क्यों? बोले सर अगर आप उस दिन मुझे ना बताया होता तो मैं इस मुकाम पे आज नहीं पहुंच पाता। मतलब उस दिन तो शिक्षक ने क्या बोला, अच्छा वो तू है? बोले क्या सर, मतलब आप मुझे नहीं जानते हो? बोले बेटा जिस दिन ये हुआ था ना उस दिन, तो आपने आपको पता होगा कि सभी स्टूडेंट के आँखों में पट्टी बंधी थी। तो दोस्तों साथियों, उस दिन मेरे जो आँखों में पट्टी मैंने खुद ने बांधी थी। बोले सर गुरुजी ऐसा क्यों? बोले कि बेटा मैं भी नहीं देखना चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट कोई ऐसा हरकत करे। तो देखा दोस्तों, यही शिक्षक की महानता होती कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट को नीचा गिरता हुआ नहीं देख सकता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।